हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास बैसिलस थुरिंजिनासिस, टोबैको मोज़ेक वायरस, एफिड्स। देन बी वी हैव इज ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस, बैसिलस थुरिंजिनासिस। देन ऑप्शन सी वी हैव ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा। एंड देन लास्ट ऑप्शन वी हैव नोस्टॉक, एजोस्पायरलम, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है? बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बायो मीन्स होती है लाइफ, तो ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और यू कैन से एज सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, एंड उनको हम यूज करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, डिजीजेस कंट्रोल करने के लिए और वीड्स कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इनके लिए हम उनको यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब हम वन बाय वन जो है ऑप्शंस पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है बैसिलस थुरिंजिनासिस। सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये आपका एक बैक्टीरिया है जो वाइडली हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट पेस्ट। एंड ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जो टॉक्सिक होते हैं सर्टेन इंसेक्ट्स को। अब हम बात करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। सो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि TMV जो है एक प्लांट वायरस है, ये एक प्लांट वायरस है जो डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, ये एक बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है एफिड्स। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि एफिड्स अगेन दे आर इंसेक्ट पेस्ट, ये भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं एंड दे आर नॉट यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ट्राइकोडर्मा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है एक जीनस है ऑफ फंजाई, फंजाई की, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजेंस। नेक्स्ट वी हैव इज बेक्यूलो वायरस। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि बैक्यूलो वायरस इसको हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट स्पेशली अगेंस्ट कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है पेस्ट आपके एग्रीकल्चर में होते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं एंड किल कर देते हैं इंसेक्ट के लार्वा को, ठीक है। देन वी हैव बैसिलस थुरिंजिनासिस। सो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, बैक्टीरियम है ये, यूज करते हैं हम एज अ फॉर कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड हम चलते हैं, वी हैव ऑसिलेटोरिया। ये आपका क्या है, ये अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपके जीनस से बिलोंग करते हैं ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच इज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड इट इज नॉट यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये ज्यादा एसोसिएटेड होता है विद नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड वाटर क्वालिटी इशूज। देन वी हैव राइजोबियम। तो ये हमारा करेक्ट होता है, इट इज यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। नेक्स्ट वी हैव ट्राइकोडर्मा। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एज सेड द ट्राइकोडर्मा आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है अगेंस्ट दी प्लांट पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस। के बाद ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, वी हैव नोस्टॉक, ठीक है। तो जो नोस्टॉक होता है ये आपका अगेन इनकरेक्ट होता है, क्योंकि आपका जो नोस्टॉक आता है इट इज फ्रॉम अ जीनस ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड इट इज यूज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बट नॉट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट वी हैव इज एजोस्पायरलम। ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एजोस्पायरलम आपका जीनस है बैक्टीरिया का एंड यूज करते हैं एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरियो वायरसेस है विच इज यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। फिर जो हमारा ग्रुप सबसे सही था हमारा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। इसमें सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.